नमस्ते सुरेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। लल्लन हाँ, टॉप मेरा बहुत फेवरेट चैनल है, सौरभ जी को पता ही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी फिल्म आ रही है जलसा 18 मार्च को, होली के दिन। होली के दिन जब लोग खुश हो रहे होंगे और रंग लगा रहे होंगे, तब उनको थोड़ा सा सीरियस कुछ जोन में जाने का, एक कहता है ना कि दिन में होली खेलेंगे, शाम को देखेंगे, तो कुछ उनको जो सामाजिक जटिलताएं और आसपास जो हो रहा है उसको लेके कुछ शौक सा मिलेगा, ऐसा कुछ प्रमोशन से लग रहा है कि लीक से हट के कुछ सोचने में मजबूर होंगे वो लोग। वो पता नहीं कि ये हमारे वहां पे ना एक सर्टन मिथ है कि सीरियस फिल्में एंटरटेनिंग नहीं होती। और मेरी कोशिश ये है कि इसलिए मैं बोलूंगा होली के दिन मैं आपको एंगेज और एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। मनोरंजन हमेशा हंसी मजाक से नहीं होता, कभी कभी शायद कुछ सीरियस कंटेंट भी एंगेजिंग करती है। और यहाँ पे इट्स एक्चुअली लाइक मैं हमने कोशिश करी है कि एक फिल्म बनाए। यस, आप सोचने पे मजबूर होंगे, ऐसी एक कोशिश है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इंटेलेक्चुअल फिल्म नहीं है। एक बहुत ही रिलेटेबल मुद्दों के ऊपर ही बनाई गई एक फिल्म है। और सारे किरदार, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सारे किरदार आप उनसे कहीं ना कहीं मिले होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा, या तो टीवी पे देखा होगा, या तो रियल लाइफ में, या तो सड़क पे, या तो आपके घर पे। आई थिंक वो एक कोशिश रही है। इसका एक बड़ा फनी सी चीज है कि जब शायद विद्या बालन से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कि क्या ये अमिताभ बच्चन के घर जलसा की कहानी है, तो उन्होंने कहा था नहीं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तो मतलब ऑब्वियसली उनके घर की कहानी नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नाम है जलसा, आपने इस पे कैसे किया कि यही रखेंगे, और इसका क्या मतलब है आपके लिए और फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, काफी सारी टाइटल, वर्किंग टाइटल कुछ अलग थी। और एक और टाइटल हमें जो पसंद आई थी वो शायद किसी और के पास थी। तो वो मिली नहीं। हम एक्चुअली काफी फिल्म शूट के कुछ दिन पहले शायद हमने, या आई मीन लाइक मैं एक ऑटो में कहीं जा रहा था और मुझे पीछे दिखाई दिया जलसा समथिंग, तो काफी कनेक्ट किया कहीं ना कहीं फिल्म। तो जलसा जो जो टाइटल है एक गिमिक नहीं है। फिल्म में कुछ है जो जो एक प्लॉट का भाग है। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाए कि क्यों है इसका, बट वो फिल्म देखने पे ही समझ आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं कि जलसा क्यों, कॉन्ग्रीगेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कि बहुत सारी आयरनीज जो जुलूस है, जुलूस और तो अगर सेलिब्रेटरी मैं आपको उत्सव, ये बोलूं कि आयरनीज, आयरनीज को क्या बोलते हैं, आयरनीज के हिंदी में विडंबनाएं, बहुत विडंबनाएं। सारी विडंबनाएं एक साथ आती हैं। बहुत सारे इंसान एक 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 इंसिडेंट के बाद आते हैं साथ में। बहुत सारी कोइंसिडेंसेस कहिए, आयरनीज कहिए, ये सब एक साथ आते हैं। और मोर देन एनीथिंग एल्स मेरे लिए, क्योंकि इसमें अभिनय का एक जलसा है, वो मैं शायद अपने डायरेक्टोरियल स्किल या राइटिंग स्किल या किसी और स्किल के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं कि आप इसमें जो सारे किरदार हैं, मुख्यतः विद्या बालन और शेफाली, इनके अभिनय का आपको एक जलसा मिलेगा। ये फिल्म से बाहर, मैं टाइटल्स पे बहुत बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि शायद क्योंकि मेरी मैं अभी भी एडवर्टाइजिंग में काफी एक्टिव हूँ, तो मुझे ये लगता है कि टाइटल्स आपको अगर या तो सोचने पे मजबूर कर दे, या तो आपके जबान पे आसानी से आ जाए, या कुछ एक मेमोरी छोड़ दे। तो मैं बिलीव करता हूँ उसमें। जैसे अब तुम्हारी सुलू भी थी उस समय, एक 2017 में एक काफी 1970s की टाइटल थी वो, तुम्हारी सुलू। शायद वो भी एक आइडिया था, है इसमें एक रेलेवेंस है जलसा का, जब आप फिल्म देखेंगे तो डेफिनेटली समझ जाएंगे। जी, सबसे एक इंटरेस्टिंग सवाल और जरूरी सवाल ये कि इसका उद्गम क्या था, जेनेसिस क्या था? तुम 2017 में तुम्हारी सुलू बनाने के बाद, वो मेरी पहली फिल्म थी और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, बचपन से तमन्ना थी कि एक फिल्म बनाऊँ।
कोई भी दूसरी फिल्म के सपने नहीं देखता, हमेशा कोई पहली फिल्म के सपने देखते हैं कि यार एक फिल्म बन जाए, दूसरी फिल्म किसने देखा है। तो तुम्हारी सुलु बनने के बाद, प्लस मैंने तुम्हारी सुलु विद्या के साथ बनाई जिनके साथ मेरा काम करने का बहुत मन था, तो एक ही झटके में बहुत सारे टिक्स हो गए। फिर उसके बारे में समझ नहीं आ रहा था, उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या। एक तो थोड़े लाइमलाइट में आ गया था उस समय क्योंकि फिल्म की अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी, ठीक ठाक थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं काफी अवेयर हो गया था, क्लेवर हो गया था, अपने आप को थोड़ा सीरियस लेने लग गया था। तब मुझे लगा ये तो डेंजर है, तो मैंने 1.5 साल मैंने कोई भी कलम नहीं उठाया मैंने, क्योंकि जो भी लिखी उस दौरान बहुत ही वाहियात लिखी थी। ओके, तो उसके बाद 1.5 साल मैंने कुछ नहीं करा, मैं वापस एडवर्टाइजिंग में चला गया, खुश था। फिर कुछ कहानियां आने लगी दिमाग में कि अब क्या अब क्या। एंड देन उसमें से मैं काफी सारे टू लाइनर्स में काम कर रहा था, उसमें से एक कहानी थी जो अटक गई थी। और यहाँ का एक और सत्य है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक एक्टर्स जब तक आप लॉक नहीं करते हो तो प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी भी फिल्म का आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। सो इसमें से ये एक आइडिया थी जो मुझे काफी टाइम से बॉदर कर रही थी। जब आपको कोई आइडिया बॉदर करता है तो आप उसे डील करना चाहते हो, उसमें से ये आइडिया आई थी, उसका उद्गम वहीं से हुआ था। कोई मुझे एक स्पेसिफिक चीज याद नहीं है, लेकिन मैं इतना क्लियर था कि मैं कुछ आई वॉन्टेड टू डू एक ड्रामा करना चाहता था जिसमें थोड़ी थ्रिल हो। मुझे वो जॉनरा पसंद है। मुझे और ये भी मन था कि कुछ एक कंफर्ट जोन से अलग हटके करो। ये आइडिया था, इसका रूप कुछ अलग था। फिर मैंने अपने, मेरे पास एक बहुत ही यंग राइटर है प्रज्वल चंद्रशेखर, जिनकी पहली फिल्म है ये। वो मुझसे मिलने आए थे किसी सिलसिले में, हमारे एक और मित्र है जो मेरे एसोसिएट हैं अमय गानू के साथ, और फिर हमने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया। जब जब एक आइडिया एक रूप लेने लगता है तो आपको समझ में आता है कि क्या आपको इसमें सही मायने में इंटरेस्ट है। जब उसका पहला ड्राफ्ट आया तो इस ड्राफ्ट से काफी दूर है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो है। एंड फिर मैं उस पर काम करता रहा। एक फिर एक ड्राफ्ट बनने के बाद जहां मुझे लगा कि अच्छा लग रहा है, तो मैं अपने प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा, जिनके बिना ये फिल्म बनती नहीं, वो काफी एक्साइटेड थे इस आइडिया से लेकर। फिर हम मैंने विद्या को अप्रोच किया, शेफाली को अप्रोच किया, फिर चल पड़ा। आप नहीं मुझे जान टोक दीजिए, हाँ मैं बीच बीच में यहाँ मैं नहीं भटक नहीं जाऊंगा। नहीं भटकते नहीं, यही चाहिए अपने को, भटकाव ही चाहिए एक्चुअली, गुड भटकाव चाहिए। एक मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली बहुत सारी, जैसे आप ब्रिटिश या डेनिश या स्कैंडिनेवियन सीरीज वगैरह देखते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि ट्रेडिशनली जो आप देखते आए हैं कि एक 18 साल की लड़की को कार हिट करके चली गई है, इंडिया में भी ऐसे केसेस हुए हैं। और मान लीजिए ह्यूमन लेवल पे ऐसा कोई केस होता है तो हम जो विलेन है वो दूर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो ब्रिटिश या स्कैंडिनेवियन सीरीज है वो आसपास ही ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल वर्सेस जो इस तरीके का जो कहते हैं ना कि प्रोग्रेसिव एक सिलेक्शन है कि भाई हम एक रावण पकड़ें और उसको जला दें, उसके बजाय ये है कि हम अंदर अपने उसको देखें, अपने आसपास देखें, उसको बेटर करें, तो फिर इन कहानियों को देखने का कोई अर्थ है। तो आपके लिए इसका क्या, इसको देखने का क्या तरीका था, आप आसपास या दूर या बेसिकली? क्योंकि क्या है ना, कहानी, जिस किसी ने कहा है कहानियां तो 5 या 7 ही होती है दुनिया में, हम घूम फिर के इंटरप्रिटेशन के लेवल पे कुछ जोड़ते घटाते हैं। तो आपका इंटरप्रिटेशन जो आप कहना चाह रहे थे कि मेरे को ये ऐसा कुछ करना है, मेरा मन है, मैं भी ऐसे देखता हूँ समाज को, वो क्या था? तो एक तो मैं तो एडवर्टाइजिंग में कहावत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि या तो आप, जैसे कि आप बहुत लोगों के सामने एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं, या तो आप उनसे कहें हंसिए, ओके, या तो आप एक जोक सुनाएं। तो मैं लैटर प्रेफर करता हूं, क्यों? तो मैं किसी एक, क्योंकि बहुत पहले मुझे ये बात रियलाइज हो गई थी कि आप जो कहना चाहते हैं और आपकी एक्सपेक्टेड रिएक्शन जो है वो किस तरह एक इंसान को छूती है, वो बहुत आपके कंट्रोल में नहीं। और सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो किसी निर्देशक, किसी अभिनेता या किसी राइटर का होता नहीं। इतना ज्यादा कंज्यूम्ड एक फॉर्म ऑफ आर्ट है
ओके, कि आपके उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। नाउ कमिंग बैक टू नजरिया, मैं किसी एजेंडे को या मैं ये बताने के लिए नहीं करता। मुझे लगता है कि बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे जो चीजें आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना एक उसका भी एक काई बन जाता है। कहीं ना कहीं आप उस काई को किसी तरह निकालने की कोशिश करते हैं, ओके, और वो बड़ा ही ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको समझ में आता है कि अरे हाँ, ये इस किरदार का बैकग्राउंड क्या है। तो वो आप जितना आपने जितना अनुभव किया उतना ही आप खर्च करते हैं उसको। सो जैसे आपने कहा कि विलन्स, मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट विलन, जो मैं उस टाइप की फिल्में होती है मुझे पसंद आती है, मैं बनाऊंगा भी ऐसी फिल्में। लेकिन इस फिल्म के हिसाब से, ओके, यहाँ पे सभी ग्रे हैं, ओके, जैसे हम सब हैं, ओके, हमारे साइड कोई भी, आई डोंट थिंक सो, एक इंसान ऐसा होता है कि सुबह उठ के बोलता चलो एक बुरा काम करते हैं। उसके दिमाग में वो एक अच्छा काम ही होता होगा जो भी कर रहा होगा वो। सो एक तो वो एक अप्रोच है, दूसरा अवेयर अप्रोच से मैं काम करूंगा ना। मैंने वही आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि सुलू के बाद जब मैं अवेयर हो गया था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अरे आप बहुत ही फेमिनिज्म की फिल्म बना रहे। मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, मैंने अपनी माँ के ऊपर लिखा था। आप लोगों ने बहुत सारी कुछ इंटरप्रेट करी, फिर मैंने अपने आप को सीरियसली लेने लगा। फिर मुझे लगा कि अब मुझे और चीजें कहनी पड़ेगी जिसके कारण मैं थोड़ा और महत्व पाऊं, और उससे बड़ा आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ट्रैप यू कैन फॉल इनटू। और हम लोग बहुत आसानी से गिर सकते हैं, अपने आप को सुनने की आदत हो जाती है आफ्टर। सो इसमें भी आई थिंक है नजरिया है, जो मेरा मेरे ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं आप, लेकिन आप बियॉन्ड अ जर्नलिस्ट आप शायद लेखक भी होंगे, कवि भी होंगे, आपका एक नजरिया होगा, ओके, और वो जो अवेयर नजरिया है जो निकल जाता है किसी एक फॉर्म में निकल जाता है। तो उसी तरह मैंने भी इसको अप्रोच किया। आई होप आई रिप्लाइड योर क्वेश्चन। जैसे मैं कई बार मेरे मन में आता है, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूं तो दिमाग में चलता रहता है, यार अभी मान लो गलती से मेरी गाड़ी किसी को टक्कर मार दे। जैसे मैं अपने घर से खेत की तरफ जाता हूँ तो रास्ते पे, राजस्थान में ये मशहूर है कि सुबह सड़कों पे बहुत से जानवर कुचले हुए मिलते हैं, क्योंकि वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और गाड़ियां तेजी से निकलती हैं। और वो एक बार मैं जा रहा था तो कोई नेवले की फैमिली क्रॉस कर रही थी, और वो मैं सड़क के एकदम क्लोज एकदम से आए और गाड़ी के नीचे से वो तो पीछे, हालांकि मैं मुड़ के देखा तो वो दिखा नहीं, लेकिन कुछ मेरे को गाड़ी से टच हुआ ऐसा लगा था। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि यार दो चीजें होती है, आप गाड़ी लेके निकलते हो, आपको नहीं पता पहुंचोगे उससे पहले एक्सीडेंट होगा या आराम से पहुंचोगे, चाहे आप कितने भी कुशल ड्राइवर हो। ऐसे में देखने के तरीके दो होते हैं, भीड़ पकड़ेगी आपको, मारेगी पीटेगी, और आप हो, आप देखोगे उस एंगल से कि यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो मोरालिटी और सत्यता होती है ना, कि हर आदमी जो किसी सामने वाले को पीट रहा होता है कि तू ये तो भाग रहा है मार के, अगर वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता और टक्कर के बाद वो भी सोचता कि क्या मैं भाग जाऊं या रुकूं पुलिस के पास जाऊं, ये भी जो नैतिकता और द्वंद्व है। तो इस सब्जेक्ट में फिल्म बनाते हुए क्या आपने कभी इस द्वंद्व या नैतिकता आपको छू के निकली है? क्योंकि मुझे तो ये छुई है कि अगर मैंने किसी दिन मेरी गाड़ी से हुआ तो मैं भाग जाऊंगा या पुलिस के पास जाऊंगा। तो मेटाफर है ये, हिट एंड रन जो है एक मेटाफर। अगर मैं ज्यादा फिलोसोफाइज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे इस कहानी के हिसाब से एक एक एक्सीडेंट होती है और उसमें अकेला बहुत सारे लोग उस गाड़ी के नीचे आते हैं। अब फिजिकली या सोल या कुछ भी कह लें, ओके, बहुत सारे लोग आते हैं। एथिकल डिलेमा हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट सब्जेक्ट्स, क्योंकि शायद आप फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत देख लो, ओके, राइट फ्रॉम एनी कैरेक्टर आउट देयर, राइट फ्रॉम स्पेशली आई थिंक भीष्म पितामह का जो कैरेक्टर है, एथिकल डिलेमा है, कहाँ रहूं मैं, किस साइड में रहूं, वो एक कहानी को जन्म देती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सबकी जिंदगी को, क्योंकि एक एक्सीडेंट छू जाती है, ओके, और जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि कहानी हु डन इट से बियॉन्ड है, क्योंकि हु डन इट एक एस्पेक्ट है, ओके, लेकिन उससे बियॉन्ड करने की कोशिश करी है, ओके,
और नैतिक, जैसे मैं उस दिन किसी को बता रहा था कि सुबह का टाइम है, संडे के दिन बम्बई, बम्बई में क्या होता है कि ना, ट्रैफिक सिग्नल एक 6-7 बजे तक वो ब्लिंक करते रहते हैं, आई थिंक अक्रॉस ऑल द सिटीज होते हैं वो। तो आप सुबह एयरपोर्ट जा रहे हो तो आप देखते हो कि कोई रुकता नहीं है, सब निकलते जाते हैं। कभी कभी सुबह रेड सिग्नल भी रहता है, तब भी सुबह निकल जाते हैं। एक एक जजमेंट है। अब वो इंसान को जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक उसको लगेगा कि क्या ही किया मैंने, खाली तो था ट्रैफिक, कोई था नहीं, मैं निकल गया। सो एक कांस्टेंट डिलेमा है, अगर हम उसको सीरियसली देखने जाए तो हर चीज में आपको मिलेगी वो बात। और मुझे लगता है कि एज अ टॉपिक इन सिनेमा बहुत सुपर्ब सब्जेक्ट है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपको आपके किरदार को बहुत कुछ करने को मिलता है उस सिलसिले में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये चीजें सब इफेक्ट करती हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप हर दिन, स्पेशली आज के दौर में, आप हर दिन किसी ना किसी डिस्कशन का हिस्सा हो, वेदर यू आर रीडिंग, वेदर यू आर इन इट, वेदर यू आर आउटसाइड, और कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को देखते हैं आप किस तरफ हो, और उसके बीच में कहानी बन जाती है। क्योंकि इसमें नजर आता है वो बच्चा भी जो है, जो रुखसाना का बच्चा है, लास्ट में वो भी कहता है चॉकलेट दोगे तुम बताऊंगा नहीं। करेक्ट। इवन वो भी उस लेवल पे करप्ट है वो, हालांकि वो तो भोला बच्चा है। तो हम बड़े होते होते तो कितने ही हमारे लेयर्स हो जाती करप्शन की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही तो मैं कहता हूँ कि आई थिंक द फर्स्ट ब्राइब स्टार्ट्स विद द चॉकलेट। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट है जर्नलिज्म। मेरे लिए तो जर्नलिज्म से रिलेटेड फिल्म्स का मुझे बहुत ही कहते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आती है। क्योंकि शायद कहते हैं कि जो चार पिलर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो जरूरी और एक तरीके से कहें कि लोगों के करीब है वो है। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जजेस को भी अपनी बात कहनी है तो कहीं मौका नहीं मिलता, और वो कुछ पत्रकारों को भेजते हैं कि आइए हमारी बात सुनिए, और 10-10 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला जर्नलिस्ट कैमरा लेके खड़ा है, उनकी बात सुन रहा है। ऐसे जजेस की बात सुन रहा है जो 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ ये फैसले सुनाते हैं, जुर्माने ठोकते हैं। तो आप कितनी प्यारी सी चीज है हमारी डेमोक्रेसी की। तो ऐसे में जर्नलिज्म जितना सही रहेगा देश में उतना ही ज्यादा हमको मजा आएगा। तो इस हिसाब से जो जर्नलिज्म पे फिल्म होती है बड़ा वो इंस्पायर करती है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि विद्या बालन का कैरेक्टर है वो शायद एक एक कहते हैं कि डिजिटल स्पेस का हेड है या टीवी का हेड है। हालांकि वो चूंकि वो बिलबोर्ड पे सब्सक्राइबर्स लिखा है तो सब्सक्राइब जोड़ा जाता है सीधा डिजिटल से। हालांकि जितनी रिपोर्टिंग हुई है उसमें ये दिखाया गया कि टेलीविजन चैनल की हेड है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो चला रही है और एक उसके यहाँ शायद इंटर्न लड़की है, वो कहती है कि सत्य क्या है, क्या हुआ था, सवाल सही पूछ रही है, पुलिस वाले से पूछ रही है, विद्या से पूछ रही है, और वो बोल रही है कि तुम इससे आगे इसको परस्यू नहीं करोगी। तो कितना फैसिनेटिंग है कि नया इंटर्न आया है, वो जर्नलिस्ट ही बनने आया है, लेकिन जिस दिन विद्या तक बनेगी वो, तब तक जाते जाते उसको कितनी खाइयां पार करनी, करेगी नहीं करेगी, करप्ट होगी, ईमानदार रहेगी, पता नहीं। तो बड़ा फैसिनेटिंग है ये। इस पे आप बताइए, ये आपका क्या सोचना था इस पूरी चीज पे? जर्नलिज्म, जब मैं तो दो बात है, क्योंकि आप बचपन से लेकर, पहले तो स्कूल में बताया जाता था कि हर दिन अखबार पढ़ो, उस समय पढ़ने का मन नहीं होता था। अब वो टाइम है कि अब लोग कह रहे हैं कि अखबार नीचे रखो, आप पढ़ रहे हैं। सो आई एम वेरी फैसिनेटेड, ये जो दुनिया है जर्नलिज्म की, मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ। ये इसमें एक 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 पार्ट है, सब कुछ नहीं है। विद्या बालन का जो कैरेक्टर, और आपने ट्रेलर आई थिंक 2-3 बार या बहुत बार देखी है, करेक्ट पकड़ा है आपने, ये शी वो एक डिजिटल न्यूज पोर्टल चलाती हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसका नाम है WRD। एक मैं जैसे बोलता हूँ कि एक सेल्फ राइचियस एडिटर है। और एक एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको आप सी थ्रू नहीं कर पाते। मुझे क्या बहुत ही अच्छा लगता है जर्नलिस्ट के बारे में, बहुत सारे जर्नलिस्ट के बारे में, कि आप जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं आप उनको सी थ्रू नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते कि उनके चेहरे पे क्या है, सोच क्या रहे हैं, बोलेंगे क्या। आपके सौरभ द्विवेदी को देख लो, सौरभ द्विवेदी के चेहरे पे कॉन्स्टेंट एक मुस्कान है वो, लेकिन वो क्या सोच रहे होते, जैसे मैं उनसे बात करूंगा कुछ और सोच के कुछ और जवाब आएगा उनका। आई लाइक दीज पोर्ट्रेट
जर्नलिज्म का एक, तो वो दुनिया मुझे पसंद है। उसका एक ऑफ कोर्स एक महत्व है फिल्म की कहानी में भी, लेकिन फिल्म सिर्फ वही बात नहीं है, सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि उसका ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ, वो एक पहलू है। जो एक अगेन जैसे मैंने कहा कि एथिकल डिलेमा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है वो। जब फिल्म देखेंगे तो हम एक बार और बात करेंगे इसके बारे में। आप बताइएगा, आप बहुत आई थिंक कंप्लेंट लाएंगे या अच्छे लगेंगे, बुरा लगेंगे कि अरे यार इन्होंने क्या समझा जर्नलिज्म की दुनिया, सब होगा। बट मेरे लिए एक इंसान है, उसका एक प्रोफेशन है। हर किरदार का चार चार पहलू होते हैं, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ, एक प्राइवेट लाइफ और एक सोशल लाइफ। इन चारों के बीच में ये कहानी घूमती है। तो जब भी आप एक कैरेक्टर लिखते हैं तो आप उनको एक प्रोफेशनल एंगल देते हैं, यहाँ पे जर्नलिज्म का है। और फिर क्या क्या होता है इस इन तो कहानी इन चारों तरफ जाती है, पर्सनल, प्राइवेट, प्रोफेशनल, सब सभी तरफ घूमती है। एंड वो डिलेमा है। तो जर्नलिज्म का एक 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 इम्पॉर्टेंट रोल है, सब कुछ नहीं कहूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे मतलब बहुत लंबी चौड़ी टीम होती है, फिल्म बनाते हो आप, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब अगर अगर ना देखें तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन लाखों लोग जुड़े होते हैं एक प्रोजेक्ट से, छोटी छोटी बुनाई से लेके छोटे छोटे प्रोडक्शन डिजाइन हो रहा है, तो उसमें छोटा छोटा कोई पलस्तर कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, आप फिर भी 100, 200, 300, 400 लोगों को मैनेज करते हो, कई महीनों तक करते हो, ऊपर से एक्टर्स होते हैं जो आपसे क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उनके अपने ईगोज भी होते हैं, उनके अपने लक्ष्य भी होते हैं कि मेरे को इससे क्या मिल रहा है, और आपका अपना भी एक, आपको भी अपना सपना बचाना है कि मैं जो बनाना चाहता हूँ वो बन जाए, तो आप बेसिकली सब लोग अपने अपने उसमें क्रिएटिवली अपने अपने हिस्से का खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टर का मेन काम होता है कि सबको साथ ले जाना मैनेज करते हुए प्यार से, और ये सबसे बड़ी ट्रिक है शायद, मुझे ऐसा लगता है। आपकी ट्रिक क्या है, इतने वर्षों में आपने क्या होन की है फिल्म मेकिंग में कि ह्यूमन बींग्स को मैं कैसे मैनेज करूं, मेरा क्या स्टाइल है, हंस के बात करके या कैसे उसकी सबकी बात सुनना, फिर उनको प्यार से बताना कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, तो एक सिंगल सिंगल ट्रिक आपकी क्या है जिस पे आपका पूरा काम डिपेंड करता है एज अ क्रिएटिव पर्सन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये हम लोग अक्सर बात करते हैं जब, क्योंकि अपने अपने टीम मेंबर्स में बात करते हैं कि डायरेक्टर और उसका रेलेवेंस, और एक तो झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप है। ये बड़ा ही एस्केपिस्ट रूट है। नहीं, आप तो कैप्टन ऑफ द शिप हो। आप शिप अगर पानी में है कि या एंकर में, वो पता नहीं ना। आप तो खड़े शिप में भी, एंकर्ड शिप में भी आप कैप्टन हो सकते हो, कोई महत्व नहीं होता है। आई थिंक वो शिप जब पानी में उतरेगी और बहुत सारे वेव्स के बीच में जाएगी, तब तब समझ में आएगा कि कैप्टन ऑफ द शिप है या का कोई रोल है, या कुछ कर भी रहा है कि ऑटोमेटेड चल रहा है, क्या चल रहा है। रिगार्डिंग मेरी शैली जो है, मैं अपने आप को, अगर मैं, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी दूसरी फीचर फिल्म है, एड फिल्म में मैंने बहुत करी है और करता रहूंगा। मुझे ना अभी भी गजेंद्र, मे बी बिकॉज मैं छोटे शहर से, रांची से आया हुआ एक लड़का हूँ जो जो बंबई में कुछ कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे अभी भी मैं जब एक सेट पे जाता हूँ हर दिन, और मुझे लगता है कि ये 200 लोग खड़े हैं मेरी वाहियात बात सुनने के लिए, और वो कर भी देंगे। इट इज हम्बलिंग। मैं अपने कार से उतरता हूँ या कहीं से उतरता हूँ, तो चार लोग आते हैं, यहाँ से आते हैं, वहां से आते हैं, मुझे ले जाते हैं, फिर उसके बाद वहां पे दिग्गज एक्टर्स होते हैं, वो खड़े होते हैं कि ये कुछ बोलेगा और फिर हम उनको फॉलो करेंगे ना। मैं फिल्म स्कूल ग्रेजुएट हूँ, वहां पे टेक्नीशियंस हैं जो फिल्म स्कूल से पढ़े हुए हैं, मेरे कैमरामैन रहते हैं या जो जो भी हैं। उन सबको तो कॉन्स्टेंट एक, आई थिंक आई मुझे मुझे तो ये बड़ा, आई गेट हम्बल्ड। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला शायद ही कुछ है। एंड यू हैव टू बी नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू जॉब पीपल, क्योंकि सारी तारीफ तो या तो एक्टर लेके जाएंगे या तो डायरेक्टर लेके जाता है, कभी कभी प्रोड्यूसर को भी नहीं मिलता, या बुरी होगी तो डायरेक्टर को बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर अच्छी होती है तो उस वो तो इसलिए मैं हमेशा अपने एंड क्रेडिट्स में लिखता हूँ फिल्म बाय सुरेश त्रिवेणी एंड टीम, एंड मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ उसमें। मेरा सक्स, मेरा मेरा फॉर्मूला या मेरा क्या मुझे नहीं पता, बट मैं ये डेफिनेटली मानता हूं कि अगर कोई आपको अपने 2.5 महीने दे रहा है
या 8 महीने दे रहा है, प्री प्रॉड से लेकर के पोस्ट तक दे रहा है, या शूट के दौरान 2.5 महीने दे रहा है या 40 दिन दे रहा है। आई थिंक जितना वो घर पे बैठ के कुछ भी कर सकता है, पंखा देख सकता है, लेकिन अगर वो अपना टाइम दे रहा है, मत दे रहा है, तो आई थिंक द लीस्ट यू कैन बी इज रेस्पेक्ट देयर टाइम एंड बी पोलाइट। आपको अपना काम निकालना चाहिए, वो सब होगा, बट आई थिंक वो दूसरों के टाइम की कदर करना, मुझे लगता है कि मैं बहुत मानता हूं उस बात को। रही बात आर्ग्यूमेंट्स की, वो तो होता रहता है, मतलब एज अ डायरेक्टर आप कॉन्स्टेंटली, आपके पास वो होता है ना, जब टेनिस खेले जाते हैं तो आपके पास 6 बॉलें एक बार फेंक दी जाती है, अभी आप 3 को मारोगे, 3 छूट जाएगा, 1 छूट जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, वो कभी एक्टर्स रहेंगे, कभी टेक्नीशियंस रहेंगे, और सब आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपने लिए कह रहे हैं कि फिल्म के लिए कह रहे हैं। फिल्म के लिए तो मैं हाथ खड़ा, अगर इस सवाल पे थोड़ा टाइम है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे मुझे याद है, मैं अपने कैमरामैन के साथ एक शॉट उस दिन बना रहा था, इसी फिल्म के, छोटी सी पैच वर्क कर रहे थे हम लोग, बारिश हो रही थी, लाइट था, हमने बारिश क्रिएट किया, तो मैंने एक शॉट, मैंने उनको बोला कि सर आप ऐसे लगाओ एक शॉट, तो उन्होंने, सौरभ गोस्वामी वो मेरे को बोलते हैं, नहीं नहीं ये शॉट सुंदर तो बहुत है, लेकिन पता नहीं हमारी फिल्म के लिए है कि नहीं। सो एज अ सिनेमाटोग्राफर, वो नॉर्मली बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर होते हैं सिर्फ इमेजरी देखते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं नहीं ये सर ये इट विल बी ब्यूटिफुल, लेकिन सो आई रियलाइज दैट कि उसका इंटरेस्ट लेवल ही इज गॉन बियॉन्ड हिज ओन सेल्फिश नीड्स, और फिर वो तभी हो सकता है जब आप एक टीम को कास्ट करें। आई थिंक डायरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एक टीम को कास्ट करना, वो एक्टर्स को जिस तरह कास्ट करते हैं उसी तरह टीम को कास्ट करना, अदरवाइज डायरेक्टर तो वही है ना सर, वो जो सुबह दिहाड़ी पे लेके जाते हैं बहुत लोग, गाना वाना गा के ट्रैक्टर में भर के काम करके आते हैं, वही फील है और कुछ नहीं है, क्योंकि हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। विद्या बालन और शेफाली शाह सेट पे आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछते थे, ऐसा उन्होंने कहा है। किस तरह के क्वेश्चंस होते थे, थोड़ा सा आप इनसाइट दीजिए, क्या क्यूरियोसिटी एज एन एक्टर होती है एक्टर की? सेट पे दो 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 दोनों का अलग तरीका है, दोनों दोनों के बहुत सवाल होते हैं, और सवाल दोनों का स्क्रिप्ट से एक्चुअली शूट पे कम होते हैं, शूट से पहले ज्यादा होता है, जब वो एक बार हाँ बोल देती हैं, तो उसके बाद शुरू होता है, और मोस्ट ऑफ द सवाल दोनों का कि कैरेक्टर के मोटिवेशन के बारे में, कि ये किरदार कर तो रहा है, क्यों कर रहा है, एक वो पार्ट होता है कैरेक्टर का। दूसरा होता है कि डायलॉग्स होते हैं, जो कि एक होता है, और मैं बड़ा ओपन हूं, मुझे लगता है कि डायलॉग्स कांट बी, जब तक ये किरदार के मुंह से निकलेगा नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो डायलॉग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो सवाल जैसे उनके राइट फ्रॉम वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, साइको, जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं, साइकोग्राफिक्स बात करते हैं, दोनों का स्टार्ट होता है साइकोग्राफिक्स से, बैक स्टोरी से, कहाँ थे, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, फलाना है, जो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड है, आई थिंक वो भी अराइव करना चाहते हैं अपने कैरेक्टर की तरफ। फिर आता है सेट पे, जैसे विद्या सेट पे काफी कम सवाल पूछती है, विद्या जब आती है फाइनली वो एग्री, मतलब वो एक एक पॉइंट पे आकर के फिर सेट पे जो हमने एग्री किया उस पे करेंगे। उसमें भी स्टेजिंग जब होती है, कि जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस फिल्म में भी एक सीन है जहाँ पे विद्या को हमने हमने जब जब मैंने कैमरामैन ने मेरे डायरेक्शन टीम ने डिस्कस किया था कि ये किरदार, विद्या का जो किरदार है वो बैठ के बात करेगा, और हमने सब कुछ लाइटिंग वाइटिंग सब सेट कर दिया था, विद्या आ गई, एंड वो मान गए कि ठीक है मैं यहाँ बैठूंगी, लेकिन बैठने को एक एक टेक के बाद उन्होंने बोला कि यार मुझे पता है, मुझे ना ये बोलते हुए मुझे बैठना नहीं है, मुझे मुझे लगता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए। अब वो जो पॉइंट है वो जिस लॉजिक से आ रही थी, जिस सीन के लिए वो जरूरत है, मैं वो सीन अभी नहीं बता सकता, वो देखने के बाद हम बात कर सकते हैं, उस सीन के लिए एक्चुअली फिर मुझे, हाँ करेक्ट है, ये किरदार अगर यहाँ पे करेक्ट रहे, खड़ा रहेगा तो
बेटर है, क्योंकि बैठे बैठे शायद वो लाइंस में जो कंफर्ट है वो शायद नहीं होना चाहिए। सवाल मोस्टली साइकोग्राफिक्स के बारे में होते हैं। शेफाली का एक, शेफाली के साथ मैं ज्यादा प्रीप्रॉड पे इस बार बैठ नहीं पाए, हमने एक दो, वो बहुत बहुत बिजी थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम दिया रीडिंग्स के लिए एंड ऑल दैट। बाद में आई थिंक जब वो सेट पे आती है, शेफाली का एक प्रोसेस है, शेफाली आती हैं एक सेट पे और फिर उनको उनको वो माहौल समझना होता है कि अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे, उनको कुछ एक्टिविटी चाहिए। वो उनको खड़े खड़े दो डायलॉग बोल दो तो उनको मजा नहीं आता। उनको लगता है कि मुझे एक बिहेवियर होना चाहिए। मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ उसमें, और उसमें कभी कभी सवाल, अगर ये क्यों उठाया, वो क्यों उठाया, ऐसे क्यों करा, और वो कॉन्स्टेंटली टू ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन टू इट, इट इज दैट। बट वो क्वेश्चंस आपके किरदार को और आपकी कहानी को कॉन्स्टेंटली आगे ले जाती है, और आपको एज अ डायरेक्टर पुश करता है कि ये आएंगी और इनके सवाल होंगे, आपके पास इनका जवाब हो जाना चाहिए, होना चाहिए। सो वो डिस्कशन का पार्ट है, मजेदार है। मैं तो मजाक में ऐसे ही टांग खींचता हूँ दोनों की, कि मैंने तो विद्या शेफाली को, तो उनको कॉन्स्टेंटली एक माहौल चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, जो मुझे भी काफी पसंद है। शेफाली का एक तरीका है, और वो जब आती हैं सेट पे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो जो रॉकेट होता है ना, कहाँ जाएगा ना आपको नहीं पता, क्योंकि इतनी टैलेंटेड है। उनके पास एक सीन करके आपको चार 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 आइडियाज बता देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उनको लगता है कि कुछ एक है। उनको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर आप एक स्टाइल पे अराइव करते हो, फिर यूर ऑन। सवाल नॉर्मली क्या करते हैं कि आपको एज अ डायरेक्टर, एज अ टीम कॉन्स्टेंटली अलर्ट रखते हैं कि ये आएंगी, इनके सवाल होंगे, कभी कभी सेट के बाहर, कभी कभी सेट के अंदर, बट मोस्टली सेट के बाहर ही होता है, नॉर्मली प्री प्रोडक्शन के टाइम पे होता है। और फिर वो कहानी आपको, फिर आपको वो कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं कि आप अच्छा करते रहो। और अगर वो कहानी के लिए मदद, आई मीन यू शुड ऑल्सो हैव पॉइंट्स टू टॉक टू, कि नहीं, हर चीज वहां पे भी डिस्कशन होती है, फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं और शूट हो जाते हैं। सवाल तो गजेंद्र मेरा क्या है ना, कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अगले फिल्म में ना मैं ज्यादा सुनूंगा नहीं यार, थक गया था मेरी टीम भी बहुत सवाल पूछती है। एक तो लगता है कि कहीं मैं गलती कर दी, मैंने स्क्रिप्ट लिख करके। एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कितना समय आपको टोटल लग गया पूरा प्रोजेक्ट, जिस दिन आपने पहली बार इसका आइडिया सोचा था तब से लेके उसको कंप्लीट करने तक? 2019 में इसका, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, 2019 में मैं पहली बार मेरे राइटर प्रज्वल से मिला था, मार्च के दौरान। स्क्रिप्ट लिख के कुछ 6 महीने हो गए थे, 2019 सितंबर या अगस्त में हम विद्या के पास गए थे। वो पहली बार, वो विद्या को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, लेकिन उनका उस समय वो करने का मन नहीं था, वो थिंगी, तो फिर वो अटक गई थी। उसके पहले शेफाली से मेरी बात हो गई थी, तो उनको अच्छा लगा था स्क्रिप्ट, शी वॉज ऑन। फिर 2020 में तो वैसे भी पैंडेमिक का आगमन, एंड देन सब कुछ रुक गया। लेकिन उस दौरान हम ये स्क्रिप्ट पे काम करते रहे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर जो है विक्रम मल्होत्रा, वो स्क्रिप्ट को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इनफैक्ट इस फिल्म का बनना एक, मैं उनको पूरा श्रेय एक्चुअली उनको दूंगा है कि इस माहौल में ये फिल्म बनाना, क्योंकि कोविड के टाइम पे एवरी प्रोड्यूसर जो है, मतलब पैसा बड़ा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। और उस दौरान वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, इनफैक्ट उनके कारण ही हुआ। तो 2019 से शुरू करी, 2021 अगस्त में शूट करना शुरू किया, जुलाई अगस्त के दौरान शूट किया, 35 डेज की शूट थी, और फिर अभी रिलीज, फटाफट रिलीज एज वी कॉल इट। प्रोड्यूसर साहब किस स्टोरी के किस एस्पेक्ट या प्रोजेक्ट के किस एस्पेक्ट को लेके बहुत फैसिनेटेड थे? मतलब इतना आमतौर पर प्रोड्यूसर्स पैसे के टर्म्स में सोचते हैं, कहानी के टर्म्स में या प्रोजेक्ट को लेके जो एक्साइटमेंट होता है वो वैसा नहीं होता जैसा आप बता रहे हैं। उनको क्या फैसिनेट कर रहा था बहुत ज्यादा? मैं, क्योंकि विक्रम मल्होत्रा से, आई मीन लाइक हम काफी टाइम से काम करना चाह रहे थे, मैं ही एक्चुअली काफी थोड़ा स्लो था। भूषण जी तो ऑलरेडी, आई मीन लाइक हमने तुम्हारी सुलू बनाई थी उनके साथ, तो वो तो ऑलवेज थे टू बैक इट। लेकिन विक्रम, आई शुड गिव, विक्रम ने जिस तरह इस प्रोजेक्ट, जैसे उनको पता नहीं, उनको आई थिंक उनको ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वाली फिल्में बहुत पसंद आती हैं।
ओके, वो अलग अलग टाइप की फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस सब्जेक्ट में लगा कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत जबरदस्त है। ओके, और वो उसको बैक कर रहे थे। इनफैक्ट वो कभी भी उन्होंने मुझे हमेशा मुझसे कहा कि पैसे के बारे में मत सोचो सुरेश, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं आप बनाओ और आप अपनी पूरी ऑनेस्टी से बनाओ आप, क्योंकि मैं भी इसमें को प्रोड्यूसर हूँ इसमें। लेकिन उन्होंने वही मुझसे कहा कि तुमको, तुमने जैसे विद्या और शेफाली लॉक हो गई, और आई मीन उनका भी विद्या के साथ रिलेशन, वो कहानी शकुंतला सब में प्रोड्यूसर वो थे, स्टूडियो कहानी के टाइम पे वो स्टूडियो में था, आई मीन लाइक शी ही वाज इन वायकॉम। ओके, सो तब उनका एक रिश्ता है ही, प्लस उन्होंने शकुंतला और शेरनी करी थी उनके साथ। उनको इसका जो ह्यूमन ड्रामा, उन्हें बहुत पसंद आ रहा था कॉन्फ्लिक्ट। ओके, उन्हें उन्हें दिख रहा था, तो वो कॉन्स्टेंटली कह रहे थे मुझे ये फिल्म दिख रही है सुरेश, तुम ज्यादा सोचो मत, इसको बना डालो फटाफट। तो उन्हीं का आई वुड से उनका एक करेज था, कि उनका, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास विजन हो सकता है, लेकिन अगर आपको उसकी बैकिंग नहीं मिलेगी ना, तो उस विजन का कोई काम नहीं, आप कहीं ना कहीं जाकर के गिर जाओगे। तो उनका बैकिंग बहुत जबरदस्त था, और फिर अमेजॉन प्राइम गॉट इन टू द पिक्चर, उन्होंने जिस तरह इसको सपोर्ट किया है, लीस्ट इंटरफेयर, एक्चुअली नो इंटरफेयरेंस। और मुझे जो बनाने को, मैं इसमें कह नहीं सकता कि अरे ये वो वाली फिल्म है जो एक्चुअली मैं बनाना चाहता था ऐसे, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो हमारा, बुरा तो मेरा। इसमें ये एक सवाल ये हमेशा रहता है कि आपने पहली बार जैसे इसको इमेजिन किया था कि ये फिल्म मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, वहां से लेके फिल्म बार बार चेंज होती है, एडिटिंग टेबल पे बदलती है, आप शूट कर रहे हैं तब बदलती है, आज जब ये बन के रेडी है तब कितनी अलग बनी है या कितनी हूबहू वैसी ही बनी है जैसे आपने इमेजिन की थी? इंटेंट जो था वो हूबहू है, कि जो मुझे जो जिस चीज का इंटेंट था कि ये कहना है, कैसे कहना है, वो कांस्टेंट एवोल्यूशन है। गजेंद्र, मैं आपको एक बात बताऊं कि तुम्हारी सुलू में लोग मुझे कहते हैं कि अच्छी फिल्म है, ठीक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन मुझे पता है कि उसमें प्रॉब्लम एरियाज भी थे, ओके, जिसको मैंने डील नहीं करे थे। जो कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है वो दिख रहा है, लेकिन आप उसको, आप अपने फियर को कन्फ्रंट नहीं करते, तो आप कहते नहीं नहीं मैं एडिट में देख लूंगा, नहीं, वो मतलब वो हो जाएगा, वो ऐसे ही है, वैसे ही कैरेक्टर करेगा, लेकिन आपको एज ए निर्देशक पता होता है कि यहाँ कहीं शायद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी। इसमें मैंने क्या करा था कि मैंने बोला कि जितने फियर्स है ना, वो सारे कन्फ्रंट करते, तो मैंने कोशिश करी है कि जितने सारे, अब ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है या सब कुछ ही, एक एक चीज जो है सब, आप कभी भी किसी चीज को परफेक्ट नहीं बना सकते, आप बनाते हैं, आपकी इंटेंट होनी चाहिए, आपकी इंटेंट अगर दिख गई तो वहां पे खुल गया। तो फ्रॉम राइटिंग देन कास्टिंग कॉस्ट्यूम, हर जगह ये फॉर्म जो है वो इवॉल्व होता रहता है, एडिटिंग में भी, क्योंकि मेरा मेरे जो एडिटर हैं वो बहुत ही बेहतरीन, कपूर एंड सन्स उन्होंने एडिट करी है, तुम्हारी सलू एडिट करी है, शिव पाणिक्कर नाम है उनका, कमाल के एडिटर हैं। और रुथलेस है, और आप कभी कभी, आपको आपका ईगो बाहर रख के आना पड़ेगा, फिर आप बैठोगे उसके अंदर एडिट रूम, मैं एडिट रूम को कन्फेशन बॉक्स बोलता हूँ। और वहां पे भी उसका एक रूप होता है, कि कभी कभी आपको लगता है कि अगर ये डायलॉग वही बात कर रहा है जो आपको दिखा भी रहा है, तो फिर वो पॉइंटलेस है। और तो वो एक फॉर्म का एवोल्यूशन है, लेकिन इंटेंट वही है, इंटेंट जो जो चाहिए था फ्रॉम अ कहानी की, ये मुझे बोलना था, वो उसमें शायद, पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक आई एम कन्विंस्ड। आपके काम में एक ह्यूमर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हमेशा रहा है, इस फिल्म से पहले तक तुम्हारी सुलू में था, जितनी एड फिल्म्स आपने बनाई है, जैसे मुझे वो याद आती है आपने एक खाना पकाने वाला तेल उसका धारा का एड था जिसमें दामाद जी और खाइए वो वाला था, और उसमें फिर वो मतलब वो शुरू में समझ नहीं आ रहा था जा कहाँ रहा है, लास्ट में फिर टैंग आता है ट्वैंग आता है तो फिर उसे समझ में आता है, अरे हाँ कि दामाद जी को सासू कौन है जो इतना कम खिलाती है तो तेल ये ध्यान रखता है, तो वो हो गया। फिर वो बिस्किट वाला एक ऐड था जिसमें राजेंद्र गुप्ता जी थे, और हाँ, वो तो ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमर नहीं है और ये थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, और जब तुम्हारी सुलू आई थी तो बहुत से लोगों ने आपको कंपेयर किया था ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की याद आप दिलाते हैं, और आज संयोग से मतलब मार्च में ही आनंद रिलीज हुई थी आज से कोई 51 साल पहले, तो आज उस पर भी कुछ हम कर रहे हैं स्टोरी, तो
ह्यूमर आगे कितना रहने वाला है, और इस फिल्म में ब्रेक लेने से क्या आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि यार इस बार मैं अलग जोन में हूं या? ह्यूमर इमोशन का एक पार्ट है, राइट। इसमें भी मैंने बोलूंगा लाफ आउट लाउड नहीं है, लेकिन आप एक दो चीज देखेंगे, आपको हंसी मुस्कान आएगी। ओके, मैं एक्चुअली मेरी ब्रेड एंड बटर एडवर्टाइजिंग में ह्यूमर से ही चलती है। मौका मौका मेरा पहला एक बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल कैंपेन था, पहला वाला। फिर भी मैं करता रहा ह्यूमर, में मुझे अच्छा भी लगता है करना, क्योंकि बहुत मुश्किल है ह्यूमर करना, बहुत ही ज्यादा। ओके, और ह्यूमर एक पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन लगता है। मेरी वाली ह्यूमर मैं कर सकता हूँ, किसी और की ह्यूमर कोई और कर सकता है। बट वो आप सोच के नहीं चल सकते कि अभी चलो एक फनी फिल्म बनाते, फिर आप प्रोजेक्ट बनाओगे। इमोशन, मुझे ओवरऑल आई लाइक टू वर्क विथ इमोशन। और इसमें भी कुछ कुछ है, कुछ एरियाज हैं जो, क्योंकि वो पर्सनालिटी का पार्ट है। मुझे मेरी ऑब्जर्व मेरी मेरा दुनिया देखने का नजरिया ऐसा है। तो आएंगे कुछ एरियाज आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि एक्चुअली आप देखे होंगे कि वो भी ये पार्ट ऑफ सटायर ही है, जहां पे वो बोलती है कि हमारी बेटी भी तो 3 बजे रात को घूम रही थी, तो ठोक देने का। ओके, या इस फिल्म में शायद या स्कोप कम है तुम्हारी सुलु को सोचते हुए। और ऋषिकेश मुखर्जी एंड ऑल ऑफ दैट, आई कांट इवन, वो सब मतलब 47 फिल्में बनाई, 47 या 48 फिल्में बनाई उन्होंने, और एक के बाद एक चैंपियन फिल्में बनाई। हम यहाँ पे एक फिल्म बना चुके हैं, तुम्हारी सुलु, वो भी एक, या वो वर्ल्ड से इंस्पायर्ड थी। लेकिन लॉन्ग 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 वे टू गो। आनंद इज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, जीनियस। आपके जर्नी कितनी लंबी रही? फिल्म स्कूल आप नहीं गए, फिर आप एड फिल्म मेकिंग से आपने सीखा, आप आपकी पैदाइश शायद पलक्कड़ की है, और फिर आप रांची में पले बढ़े, फिर बॉम्बे आए, लंबा स्ट्रगल, इतने बरस, कितने बरस का स्ट्रगल रहा है, और आपको चलाया किस चीज ने? एक वो सिंगल एक फलसफा क्या है जिसने आपको चलाया कि फिल्म मेकिंग का स्कूल नहीं गया तो क्या मैं ऐसे सीखूंगा, ऐसे करूंगा, बनाना तो है मुझे, यहाँ तक पहुंचना है, ये बाधा आ रही है फिर भी सोच रहे कि नहीं ये कर लूंगा, पहुंचना तो है, वो क्या है? आई डोंट नो गजेंद्र, बट एक चीज है, क्योंकि या क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, अपने आप को कंफ्यूज इंडियन बोलता हूँ, मलयाली हूँ, तमिल भी बोल लेता हूँ, रांची की पैदाइश है, पब्लिक सेक्टर वाली जिंदगी देखी है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में, मेरे पापा एक स्टेनोग्राफर थे, ASDF सेमीकॉलन LKJ में वाली जिंदगी थी उनकी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग, और शॉर्ट हैंड वाली जिंदगी देखी है मैंने उनकी। वहां से इंटर में फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद पापा को बड़ी उम्मीद थी कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन जब जैसे ही इंटर फेल हो गया तो शायद वो भी काफी हताश हो गए थे। मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन कहीं कुछ भटक गया था इंटर के दौरान। फिर लॉस्ट माई डैड वेरी अर्ली 17 की उम्र में, व्हेन आई वाज 17 18 आई लॉस्ट हिम। आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था, मुझे मुझे क्या लगता था कि जो पिक्चर में सबसे लास्ट जिसका नाम आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी पुरानी मेमोरी में अगर मैं जाग के देखूं तो पहले क्या होता था, डायरेक्टर का नाम मेरा बड़ा बड़ा आता था, मनमोहन देसाई और ये वो ऑल ऑफ दैट। फिर टाइम आया मणिरत्नम का, मणिरत्नम फिल्म रेड अंडरलाइन और छोटे फॉन्ट में, मुझे वो भी अच्छा लगा, मतलब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, मणिरत्नम फिल्म मतलब इनका छाप है इसमें। राम गोपाल वर्मा फिल्म, तो मुझे लगा कि ये एक आई थिंक ईगो ही आपको, क्योंकि आप अपने आप को इम्पोर्टेंटली लेते, आपको लगता है नहीं यार सबसे इम्पोर्टेंट आदमी का नाम आता है एंड में, यही बनना चाहिए। ओके, तो वहां से शायद बीज था। फिर स्कूल जा नहीं पाया क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। फिर मैं मार्केटिंग और सेल्स स्टडी की, टाइम स्कूल ऑफ मार्केटिंग दिल्ली में दरियागंज में था, पेंटैक्स K1000 कैमरा लेकर के मैं चांदनी चौक में गलियों में घूमता था और फोटो लेता था। ओके, फिर सर्विसिंग की काम, सर्विसिंग का नौकरी किया, बहुत कुछ करा, लेकिन एक ड्राइव था मुझे, एक पता नहीं लगता था कि नहीं यार मुझे बनानी है फिल्म, अगर फिल्म देख के समझ सकता हूँ तो शायद बना भी सकता हूँ, बोल बात करता था अपने आप से कहानियों की। बट मैं कभी स्ट्रगल नहीं कहूंगा गजेंद्र, बिकॉज मैं बड़ा क्लियर था कि मैंने मैंने मुझे वो कहानी, मेरे पास वो कहानियां नहीं है कि छोटे कमरे में रहा और ऐसे वैसे। मैंने हमेशा क्या करा कि अपनी लाइफ बैलेंस करा, कि मेरे मेरे सपनों के चक्कर में मेरी फैमिली सफर नहीं कर सकती, आई कांट अफोर्ड इट। तो हमेशा मैंने बैलेंस आउट किया, तो मैंने कॉर्पोरेट एविज भी करी, मैं एड फिल्म में घुस गया 2010 से, फिर हालात बेटर हो गया मेरे।
मैंने चैनल में काम करी है, बहुत कुछ काम करा है, लेकिन पैरेलली लिखता था। 2007 से मैं लिख रहा हूँ, मैंने 4 स्क्रिप्टें लिखी, 2012 तक कुछ नहीं हुआ उनका, फिर मेरी उम्मीद चली गई थी। लेकिन मैं एडवर्टाइजिंग में घुस चुका था, मैं बैलेंस आउट कर रहा था। फिर 2015 में विद्या से मुलाकात हुई और 2017 में तुम्हारी शुरू हुई। स्ट्रगल था, बट अगर स्ट्रगल में कहूँगा पेशेंस, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू जो होता है कि पेशेंस, वो अगर आ जाएगा ना सही है ये। और वो स्ट्रगल के पीछे मैं छुपना भी नहीं चाहता, मेरा बड़ा कॉन्शियस चॉइस था कि मैं अपने सपनों के चक्कर में अपनी दुनिया के लोगों को सफर नहीं करवाऊंगा, वो पैरेलल है, वो चलता रहेगा। सो आई थिंक द जर्नी हैज बीन मोर ऑफ पेशेंस एंड लेस ऑफ पेन। 18 मार्च को अमेजोन पे फिल्म आ रही है, फिल्म आए उसके बाद हम एक और बात करेंगे फिल्म के सीन्स पे और मेकिंग पे, मजा आएगा। और उम्मीद है कि जलसा को लेके जैसा बज है, जो एक पॉजिटिव सा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी जटिल होगी, लेयर्ड होगी, और जैसे आप कह रहे हैं कि जो रियलिस्टिक सा एक अलग कहता है ना, मजा देखने को मिलेगा। सिनेमा वाले की भाषा में अगर कहूँ तो मजा हंसी मजाक नहीं है, वो एक सीरियस चीज भी उसके लिए मजा है, जो उसके दिमाग को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा सहला है, उसके दिमाग को अंदर से सोचने में मजबूर करे। तो जलसा का हम इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। होपफुली थैंक्स गजेंद्र, बहुत मजा आया बात करके आपसे, बहुत मजा आया।